वो मेरी कैसी प्रतिक्रिया रही है? तो क्या है, कभी तो जेल क्यों हुई थी? क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या किए थे, भाग लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 3 साल की सजा हुई थी। ठीक है, तो उनका हृदय क्या है, वो देश के लिए क्या है, सम्मान देते थे, देश से उनको बहुत अधिक प्रेम था। तो और देश से क्या है, बहुत ज्यादा प्यार होने के कारण वो क्या करते थे, स्वतंत्रता संग्राम में क्या उन्होंने भाग लिया था। और क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इसलिए लोग उनकी क्या करते थे, हृदय से इज्जत करते थे, उनको हृदय से सम्मान देते थे, इसलिए लोग क्या है, उनके प्रशंसक बन गए। ठीक है, जब कोई अच्छा कार्य करता है देश सेवा के लिए, जब कोई कार्य करता है, तो लोग क्या करते हैं, अगर देश सेवा करते करते अगर वो मर भी जाता है, तो शहीद नाम दे के उसको क्या करते हैं, सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि अपने घर वालों को क्या ना करने के लिए संदेश भेजना चाहते हैं? कवि सावन के माध्यम से अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मैं दुखी हूं ऐसा संदेश ना देना। ठीक है, क्योंकि कवि तो बहुत ज्यादा दुखी है अपने घर वालों को याद कर करके, तो वो सावन के माध्यम से ये कहते हैं कि मेरे घर वालों को मेरे दुखी होने की बात बिल्कुल नहीं बताना। चलिए कविता का आगे वाला भाग पढ़ते हैं। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 से मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यो ना कहना अस्त हूँ मैं। है ना, देखिए कविता का कितने अच्छे सरल ढंग से कवि ने लिखा है। तो देखिए शब्दार्थ में मस्त मतलब मतवाला, आनंद और उल्लास से परिपूर्ण, कातना यानी तकली अर्थात चरखे से धागा बनाना, तकली बोलते हैं उसको। व्यस्त यानी संलग्न, फुर्सत रहित यानी बिजी रहना, दुख घेरना यानी दुख को दूर भगाना, अस्त मतलब निराशा या डूबा हुआ, समाप्त अस्त यानी डूब जाना। ठीक है, अब देखिए संदर्भ वही पहले जैसे ही है ना, आरोही बुक से लिया गया है, घर की याद पाठ से लिया गया है ना, और इसकी कवि भवानी प्रसाद ने सुनी है। अब देखिए प्रसंग में, देखिए कवि ने जेल प्रवास में यातना जनित दुखों को अपने माता पिता से छिपाने के भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। अब देखिए व्याख्या देखिए, और कहना मस्त हूं मैं, कांतने में व्यस्त हूं मैं, और कहना मस्त हूं यानी वो कैसे हैं, आनंद से हैं, जेल में कवि अपने क्या है घर वालों से दूर है, दुखी जरूर हूँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैं मस्त हूँ, मैं आनंद से हूँ, जेल में मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, मैं चरखे से धागा बनाने में व्यस्त हूँ, वजन 70 मेरा, वजन 70 शेर मेरा, यानी यहाँ पर जेल में क्या है, यहाँ पे खाना उनको मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब मिलता है, और वो खाने में भी मतलब उनको अच्छे से खाते हैं, जिसके कारण क्या है उनका वजन बढ़ गया है, और कितना हो गया है, 70 से उनका वजन हो गया है। कवि सावन को सावधान करते है ना, और एक में और भोजन ढेर सारा मेरा, है ना, तो वो जेल में बंद है, काम में व्यस्त है मतलब सूत काटने में व्यस्त है, और आनंद से हैं, उनको खाने की भी कोई कमी नहीं है, खाने पीने में उनको क्या है कुछ ज्यादा ही उनको खाना मतलब पसंद आता है, तो उनका वजन क्या है पहले से बढ़ गया है, 70 शेर हो गया है, और कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यो ना कहना अस्त हूँ मैं। वो कवि कहते हैं कि कूदता हूँ खेलता हूँ, यहाँ पे मैं कूदता खेलता हूँ यानी मैं यहाँ पे अच्छे से मस्त हूँ, खुश हूँ मैं, दुख डट कर ढेलता हूँ यानी सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कहीं उसके जेल में घर से दूर वियोग जनित निराशा को ना बताना, बल्कि सर्वथा उन्हें कुशल मंगल और उल्लास से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए बताना। यानी वो कवि कहते हैं कि मैं जेल में खेलता कूदता हूँ आनंद से हूँ, दुख को क्या है, दुख का क्या है, वो डट का मुकाबला करते हैं,
यानी दुखों को अपने से दूर भगाते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, और सावन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आनंद से हूँ, मस्त यानी आनंद से हूँ, ठीक है। और यूं ना कहना अस्त हूँ मैं, सावन को ये बात सावधान करते हुए बोलते हैं कि तुम ये ना बताना कि मैं अस्त हूँ। अस्त हूँ यानी मैं दुख से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा क्या है, दुख से जब इंसान जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो पागलपन जैसे मतलब बावला हो जाता है, दुख में ही डूब जाता है, तो ये बात बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि हमारे जो कवि हैं घर वालों को याद कर करके बहुत ज्यादा दुखी हैं, और वो इतना ज्यादा याद करते हैं कि रात को उनको नींद ही नहीं आती है ना, तो ये बात तुम बिल्कुल नहीं बताना, ऐसा सावधान करते हैं किसको, सावन को। अब देखिए विशेष इसमें क्या है, प्रिय एवं स्नेही जनों से हम अपने दुखों को हर भावना को छुपाते हैं ताकि वे दुखी ना हो, इसका सजीव चित्रण किया गया है। मालवीकरण अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, कड़ी बोली और मुक्त छंद तो है ही इसमें, है ना। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि सावन को मानव के रूप में, दूध के रूप में वो क्या है भेजते हैं, और वो अपने घर वालों को संदेश भेजना चाहते हैं कि मैं जेल में एकदम मस्त हूँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं, यहाँ खेलता कूदता हूँ, आनंद से हूँ, और इतना मतलब खाना मुझे पसंद आ गया, मुझे खाने पीने की कोई कमी है, मेरा वजन पहले से ज्यादा ही बढ़ गया है, यानी 70 शेर हो गया है, और आप लोग मेरे को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं जेल में दुखी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, और यहाँ पे मैं आनंद से हूँ, इस प्रकार से संदेश वो कवि भेजते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, कवि अपने घर वालों से किसमें व्यस्त होते की बात कहता है, ठीक है। तो कवि अपने घर वालों को सावन से मतलब सावन में क्या है, जो रुई होती है ना कपास, उससे क्या है धागा बनाने में व्यस्त है। भोजन आदि के संबंध में सावन से कवि क्या संदेश भेजना चाहते हैं, भोजन के बारे में कवि अपने घर वालों को सावन से कवि यह संदेश भेजना चाहते हैं कि वह जेल में अधिक खाने लगा है, खाना उनको बहुत पसंद आ रहा है, और वो कुछ ज्यादा ही खाने लग गए हैं, जिसके कारण क्या है उनका वजन बढ़ गया है, यहाँ पर खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, और वजन कितना हो गया, खा खा के उनका वजन 70 शेर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जेल प्रवास में कैसे मस्त रहने का संदेश सावन के माध्यम से अपने घर वालों को कवि देना चाहते हैं। जेल प्रवास में खेलने कूदने में व्यस्त रहने का संदेश सावन के माध्यम से अपने घर वालों को कवि देना चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रस्तुत पद्यांश में क्या बताने से मना करता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह बताने से मना करते हैं कि घर वालों के वियोग से जनित दुखी से वो काफी दुख और निराशा में है, किंतु वह यह नहीं बताना चाहते हैं कि उसके घर वाले उसके दुख को जानकर और दुखी हो जाएंगे, वह सावन से इस वियोग जनित निराशा को अपने घर वालों को बताने से मना करते हैं। वो ये मना करते हैं कि जेल में कोई आराम की जिंदगी नहीं होती है, है ना, तो जेल में उनको खाली आराम से नहीं, उनसे काम लिया जाता है, और उनको खाली उनको रहने नहीं दिया जाता है, और उनको खाना पीना तो जेल में अब सब जानते ही हो, है ना। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पे अच्छे से आनंद से हूँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वजन मेरा बढ़ गया है, और मैं आप लोगों को याद कर करके बहुत ज्यादा दुखी हूँ, रात को नींद नहीं आती है, ये बात बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि मेरे दुख से और ज्यादा वो दुखी और हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए कविता को हम आगे कर रहा, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह ना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह ना देना मौन हूँ मैं खुद ना समझे कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना उन्हें कोई शक ना देना। तो शब्दार्थ देखिए,
भागना यानी पलायन करना, मुंह छुपाना, मौन यानी चुप रहना, खुद यानी स्वयं, बकना यानी कहना, बिना सोचे समझे कहना, बकना यानी बिना सोचे समझे कह देना, शक यानी शंका, संदर्भ वही पहले जैसे ही है, आरोही बुक से लिया गया है जिसमें पाठ क्या है, नाम क्या है, हर की याद और भवानी प्रसाद मिश्र क्या है, कवि है हमारे, ठीक है। अब देखिए प्रसंग में वही है, कवि अपने को भगवानों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, अभी देखिए व्याख्या देखिए, हाय रे ऐसा ना कहना है कि वैसा ना कहना, कवि सावधान करते हैं, किसको, सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि उसके परिजन को उसके जेल की यातना के बारे में यानी उनकी सच्चाई के बारे में बिल्कुल ना बताना, उन्हें यह न बताना कि उनका पांचवा पुत्र उन सबको खूब याद कर रहा है और जेल में क्या है बहुत ज्यादा दुखी है और इस दुख के कारण उनको क्या है रात में नींद नहीं आ रही है, ठीक है। भाई रे ऐसा ना कहना है कि जैसा ना कहना, कह ना देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, और वो क्या है वह आदमियों को देखकर क्या है डरकर भाग जाते हैं, भाग रहे हैं कवि हमारे, यानी वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी है अपने घर वालों को याद कर करके, जेल में भी मतलब वो खा पी तो रहे हैं लेकिन क्या है घर वालों को याद कर करके वो बहुत ज्यादा दुखी है। और जब हम बहुत ज्यादा याद करते हैं तो पूरी तरह से हम मतलब डूब जाते हैं, तो क्या है रात को नींद नहीं आती है ना। तो वियोग के कारण क्या है कवि क्या है बहुत ज्यादा दुखी है, उनको रातों को नींद नहीं आती है, तो ये बात क्या है बिल्कुल नहीं बताना। जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा स्नेह करता है और उसके वियोग में क्या है निराशा में डूब जाता है, चुपचाप रहने लगता है ना, तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि ऐसी बातें बिल्कुल मत कहना, मैं मौन हूँ, है ना। क्यों मौन हूँ, क्योंकि वो निराशा के कारण क्या है एकदम चुप हो गए हैं कवि हमारे, एकदम बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं और इस दुख के कारण क्या है इस वियोग के कारण क्या है उनको नींद नहीं आ रही है, और ये यथार्थ बात बिल्कुल भी भगवानों को नहीं बताना, ठीक है। तो है ना देना, मौन हूं मैं, खुद ना समझू कौन हूं मैं, देख ना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। तो कवि कहते हैं कि सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी यथार्थ जेल के अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब यथार्थ बातें तुम बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल बक मत देना, यानी बिना सोचे समझे तुम बिल्कुल नहीं बता देना। और कवि कहते हैं कि घर वालों को बहुत ज्यादा याद कर करके वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, और जब हम किसी मतलब पर भावना से जुड़ जाते हैं यानी जब हम अपने स्नेह जन से बहुत बहुत ज्यादा याद करते हैं दुखी हो जाते हैं तो अपन उसमें डूब जाते हैं। तो कवि क्या है एकदम याद कर करके एकदम मौन हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत ज्यादा वियोग के कारण क्या है निराशा में डूब गए हैं और वो एकदम चुप हो गए हैं, चुप हो गए यानी मौन हो गए हैं, और इस पागलपन में क्या है वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यथार्थ बात तुम बिल्कुल नहीं बताना, उनको घर वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होने देना, ये बात क्या है ये सावधान करते हुए कवि सावन को कहते हैं। चलिए इस प्रसंग में विशेष क्या है, कवि अपनी वियोग जनित व्यथा से अपने पारिवारिक जनों को दूर रखना चाहते हैं। वो इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि एक तो वो खुद ही दुखी है वियोग के कारण, तो उनको ये मैं दुखी हूँ ये बात बता के और ज्यादा दुखी ना होना, ये बात वो छुपाना चाहते हैं। और जेल में तो क्या है एकदम आनंद का जीवन थोड़ी ना होता है ना, मानवीकरण अनुप्रास अलंकार का सुखद प्रयोग मतलब बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली और मुक्त छंद तो है ही इसमें। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कवि किस बात को संदेश दूत सावन से अपने घर वालों से कहने के लिए मना करते हैं, है ना। कवि जेल में घर वालों से वियोग जनित स्वाभाविक दुख को संदेश दूत सावन को उनसे ना कहने के लिए कहते हैं, ठीक है। यानी उनका जो यथार्थ जीवन है जेल के अंदर
वो कवि अपने घर वालों से छिपाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि की जेल में यथार्थ स्थिति कैसी है? अभी मैंने बताया था कवि को सावन की बारिश में अपने घर वालों की याद बहुत ज्यादा सता रही है, इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने वियोग में कि उनको याद मतलब रात में नींद ही नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि की स्थिति जेल में कभी कभी कैसे हो जाती है? कवि की जेल प्रवास के दौरान कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपनों के वियोग में इतने दुखी हो जाते हैं कि उसे किसी से मिलना, किसी से बातें करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई मुझसे बात करे। वह कभी कभी स्वयं को ही भूल जाते हैं, चुपचाप मौन हो जाते हैं, उनकी स्थिति एकदम पागल जैसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि किस बात के लिए सावन को बार बार सजग करता है? ठीक है, कवि बार बार क्या है, संदेश दूत सावन को सजग करते हैं कि ध्यान रखना, किसी भी तरह से उनके घर वालों को यह शंका ना होने पाए कि जेल में उन सब के वियोग में कवि सर्वथा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत आनंद का माहौल है, वातावरण बहुत सुखद है, उन सबको याद कर करके कवि क्या है, अपने भगवान को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी है, और इस दुख के कारण क्या है, वो सावन को ये संदेश बोलते हैं कि मैं ज्यादा दुखी हूँ, ये बात तुम घर वालों को बिल्कुल नहीं बताना, और वे तो मेरे वियोग में तो दुखी हैं और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगी, आप लोग इसे नोट कर लेना। चलिए अपने यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्लासेस ओवर। कोई डाउट है किसी नो को? हेलो, मैम। चलिए क्लासेस ओवर, ओके बेटा। आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड किया करो बेटा, ठीक है, सभी लोग क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए क्लासेस ओवर।